Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के सीजीपीएससी मेंस एग्जाम एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी मेंस में पेपर 4 यानी बिहेवियरल एंड अप्लाइड साइंस के अंतर्गत एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को। और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में वर्ष 2016, 2017 और 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए, इन प्रश्नों का यहाँ पे हम एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा कि वर्ष 2018 के पहले पेपर 4 साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट नाम से जाना जाता था। अब वही जो है वर्ष 2018 ऑनवर्ड्स बिहेवियरल एंड अप्लाइड साइंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर का सिलेबस भी चेंज हुआ था। आज हम एनालिसिस करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जो आपके एग्जाम के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे एनालिसिस हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 2016 का एनालिसिस करते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसकी वर्ड लिमिट केवल 30 वर्ड्स है। तो 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो आए थे वर्ष 2016 में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी साइंस टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट वाला पार्ट है, इनमें जब भी आप आंसर करते हैं तो रिलेटेड सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टर्म्स को या शब्दावली को आप ध्यान रखें। यदि आप अपने आंसर में इसे पुट करते हैं, रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर प्रभावशाली बनता है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण को बहुत सरल तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स या ऐसे पॉइंट्स डाल देते हैं जो आपके आंसर प्रभावशाली होते हैं। तो इसमें याद रखिए 2-3 बातों को। देखिए है तो 30 वर्ड्स और 30 वर्ड्स के अंतर्गत ही हमको शामिल करना है, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये याद रखें कि इसमें आप वर्ड लिमिट हो चाहे मत हो, आप जब भी साइंस के रिलेटेड कोई चीजें होती, क्योंकि वो अप्लाइड पार्ट होता है, हमेशा एप्लीकेशन पार्ट होता है, तो एग्जाम्पल मैं कहूंगा सभी प्रश्नों में जरूर लिखे, चाहे वो पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। अब देखिए एग्जाम्पल एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि पर्यावरण में क्या होता है, जैविक कारक होता है, अजैविक कारक होता है, दोनों आपस में रिलेट होते हैं, बहुत क्लोजली रिलेट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो जब भी हम एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक में कुछ भी डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसका प्रभाव बायोटिक फैक्टर पर पड़ता है, जैविक कारक पर पड़ता है, मतलब सभी जीव जंतुओं पर। तो मैं इसे सरल शब्दों में कैसे कहूंगा, पर्यावरण के अजैविक कारक जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वही क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। समझ गए, कुछ नहीं है, हमने जो रिलेशन समझा था एक दूसरे को प्रभावित करता है उसी रिलेशन को बताना है। और यहां पे इसे जनरलाइज ना करके थोड़ा स्पेसिफिक लिखे, क्योंकि परिभाषा पूछा है, डिफाइन किया गया है। तो मैं रिपीट करूंगा कि पर्यावरण के अजैविक कारक जो जल, वायु, मृदा कुछ भी हो सकता है, के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण क्या लिखे, जल के कारण जल प्रदूषण, वायु के कारण वायु प्रदूषण, ठीक है, और भूमि के कारण यानी मृदा प्रदूषण, ऐसा बहुत सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका 30 वर्ड्स वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखिए कि जो अवांछनीय परिवर्तन है उसे ही जरूर लिखें। पहला क्या है, अजैविक कारक, अब मैं यहां पे बोला तो अजैविक कारक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, जल, वायु, मृदा, है ना, और जितने भी देखते हैं वो सभी है। और इसके बाद देखते हैं क्या अवांछनीय परिवर्तन है ना, अवांछनीय परिवर्तन के कारण ही तो क्या है, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको, याद रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म्स कहते हैं, शब्दावली है, उसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। जब भी नेचर में कुछ भी बदलाव होता है इस अजैविक कारक में,
तो अपने आप प्रकृति में गुण होता है कि अपने आप को बैलेंस कर लेता है, और यही बैलेंस करने की महत्वपूर्ण गुण को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अजैविक कारक में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा है, अवांछनीय रूप से हो रहा है, अनवांटेड रूप से हो रहा है, इसी कारण पारसिक तंत्र पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। समझ गए? तो इसे 30 शब्दों में आप समझ गए, इन तीन चीजों का यहाँ पे समावेश आप कर लें, अजैविक कारक, अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और इसका एग्जाम्पल जलवायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा अपशिष्ट क्या है, व्हाट इज अ वेस्ट। वेस्ट या अपशिष्ट को यदि आप समझे तो यहां पे इसे भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि बहुत सरल शब्दों में, ऐसे कोई भी उत्पाद या ऐसे उत्पाद जो प्रयोग के बाद निरर्थक या बेकार हो जाते हैं और पर्यावरण में वो ऐसे ही खुले रूप में पड़े होते हैं, जो इसको इस पर नकारात्मक प्रभाव पर डालता है वो क्या है, अपशिष्ट होता है। ये नियंत्रित भी हो सकता है, अनियंत्रित भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लें, और अपशिष्ट के बहुत सारे आप पेंट के डिब्बे, कांच, रबर, या फिर जितने भी माइंस एरिया में जो प्रोडक्ट है, धूल, डस्ट, एस्बेस्टोस, जितने भी हैं आप जो भी देखते हैं वो सब क्या है, वेस्ट है। चाहे हॉस्पिटल वेस्ट हो, क्लिनिकल वेस्ट हो, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड या कीटनाशक, या आप देखते हैं केमिकल पेंट के डिब्बे वाले वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आप देखते हैं जो गैजेट्स हैं मोबाइल कंप्यूटर के जो गैजेट्स हैं यूज के बाद यूजलेस तरीके से बाहर पड़े रहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप पुट कर लें। तो ऐसे उत्पाद जो प्रयोग के बाद निरर्थक और बेकार हो जाते हैं और पर्यावरण में ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं, जो इस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वो अपशिष्ट कहलाता है। और उदाहरण आप एक दो लिख लें। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया 30 शब्द के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बाढ़ को समझाइए, एक्सप्लेन फ्लड्स। तो बाढ़ को यदि आपको समझाना है तो आपको ध्यान देना होगा कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले बाढ़ को 30 शब्द में समझाना है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कारण मेंशन किए बिना बाढ़ को समझा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है, नदी का प्राकृतिक प्रवाह जब अपने किनारों को पार करते हुए स्थल वाले क्षेत्रों में आ जाता है या समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, तब बाढ़ की परिस्थिति निर्मित होती है। ठीक, अब यहाँ पे उसके क्या कारण हो सकते हैं, हालांकि कारण नहीं पूछा है लेकिन कारण डालते हैं तब आपका आंसर प्रभावशाली होगा। बाढ़ उत्पन्न होना अतिवृष्टि के कारण, हाई टाइड यानी उच्च ज्वार भाटा के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों में बिना पर्यावरण नियमों को पालन करते हुए बांध बनाने के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब चीजें आप इसमें मेंशन कर लें। ठीक है, तो नदी का प्राकृतिक प्रवाह यदि उसके किनारों को पार करते हुए स्थल वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाए तब यह बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, भूमि प्रदूषण यानी लैंड पॉल्यूशन क्या है, मृदा प्रदूषण या लैंड पॉल्यूशन ये क्या है, इसे समझें। कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, पहला इस मृदा या भूमि की गुणवत्ता और दूसरा उसकी उर्वरता, ये 2 चीजें याद रखें। तो क्या लिखेंगे इसे, कि मृदा की गुणवत्ता या उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कोई भी कारक का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब ये कारण क्या क्या हो सकते हैं, सीवेज का वाटर है ना, फैक्ट्री का वाटर, हानिकारक रसायन, अम्ल वर्षा, या फिर कहें तो हानिकारक तत्वों का मिलना, है ना, ये सभी क्या है मृदा प्रदूषण के लिए जवाबदेह है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये गुणवत्ता उर्वरता को लिख लो, इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, 30 वर्ड के हिसाब से एक अच्छा आंसर यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्ष 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन इसमें है भूकंप या अर्थक्वेक को। तो भूकंप या अर्थक्वेक को किस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं इस प्रकार कि भूपटल की चट्टानों में कंपन होना भूकंप कहलाता है, और भूकंप का आना टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण, भ्रंश परतों के टूटने के कारण, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण हो सकता है। भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। दैट्स इट, आपका 30 वर्ड जो है इसमें आ गया। और अधिक लिखना है तो आप लिख सकते हैं भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होती है उसके लंबवत पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं।
ठीक, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, वर्ष 2017 में सामुद्रिक प्रदूषण या सी प्रदूषण क्या है। तो समुद्री प्रदूषण को आप ऐसा लिख सकते हैं कि समुद्र का पानी का प्रदूषित होना समुद्री प्रदूषण कहलाता है, और यह प्रदूषण तेल अधिप्लाव से, जहाजों के आवागमन से, या फिर वायुमंडलीय आगतों से, या फिर हम कहें कि जो मानवीय कारकों से यह सीधा प्रभावित होता है, यह क्या है आपका समुद्री प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि हमने पहले कहा तेल अधिप्लाव, तेल फैल गया तो उसके कारण हो गया, जहाजों का आवागमन हमेशा होता है बंदरगाह वाले क्षेत्रों में, उसके कारण प्रदूषण होता है। जितने भी हम वेस्ट पार्ट जो है हम क्या कर देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं, वो जाके मिल जाती है, इसके कारण जो है यहाँ पे प्रदूषण होता है। वायुमंडलीय आगत जो है अम्ल वर्षा के कारण भी ये प्रदूषित होता है। तो इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र पर, जैविक कारकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये आपका 30 शब्द के हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप देखते हैं स्वचालित वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक, तो स्वचालित यानी ऑटोमोबाइल्स वाले जितने भी जो व्हीकल्स हैं वो उसमें क्या यूज किया जाता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में क्या होता है वो क्या कहलाता है, वो हमेशा क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता है, तो कार्बनिक पदार्थ ही है। तो इससे निकलने वाले जो प्रदूषक है, तो बहुत आसानी से इसे डिकोड कर सकते हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन का हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ये क्या है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले क्या है, मुख्य प्रदूषक है। ठीक है, तो यहां पे इसे ध्यान दे, इसके अनबर्न्ड यानी कि अदहित जो है कार्बन के जलने के कारण ये सब चीजें निकलती हैं, कार्बन के कंपाउंड, और साथ में साथ सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड भी यहां से निकलते हैं, क्योंकि इन इंजन्स में ये सभी फ्यूल्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले विकिरण से होने वाला प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या हो गया आपका, आपका यूरेनियम हो सकता है, ठीक है, प्लूटोनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाला विकिरण से होने वाला प्रदूषण क्या है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। इससे क्या विकिरण निकल सकती है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, एक्सरे, यूवी रेस, ये सभी निकलती है। ठीक है, इनके कारण जो है प्रदूषण होना रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। समझ गए, जे उदाहरण भी आप जरूर लिखें यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रदूषण में, उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप फुकुशिमा का आप उदाहरण थोड़ा लिख ले, ठीक है, फुकुशिमा का लिख ले आप, चेर्नोबिल का आप लिख सकते हैं, ठीक है, चेर्नोबिल में वहां पे रिएक्टर में रिसाव के कारण विकिरण निकली थी, इवन हिरोशिमा नागासाकी का आप लिख सकते हैं, ठीक है, थ्री माइल आइलैंड का आप लिख सकते हैं, थ्री माइल आइलैंड जो है यहाँ पे भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है फैला था काफी बड़ी। ये दुर्घटनाएं हैं, एक तो दुर्घटना का नाम जरूर यहाँ पे मेंशन करें, तो ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाएगा। समझ गए, रेडियो एक्टिव तत्वों के से निकलने वाले विकिरण के कारण होने वाला प्रदूषण क्या है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है, जिससे विकिरण में अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, यूवी रेस आदि निकलती है, और ये सब हानिकारक रेस होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन महत्वपूर्ण घटनाओं को, ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो वैश्विक पटल में हमेशा है प्रभावित करती है या न्यूज में रहती है, तो इनका उदाहरण जरूर आप लिखें। समझ गए, अब हम यहाँ बात करते हैं वर्ष 2018 में जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि पहला बायोडाइवर्सिटी के खतरे, राइट थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के जो खतरे हैं यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है वो सभी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये ट्रिक आप याद रखें। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रदूषण के कारण बायोडाइवर्सिटी जो है इसको नुकसान पहुंचती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, एनिमल प्लांट को जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्रदूषण के कारण नुकसान पहुंचता है। दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते क्या है, दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, पहुंचता है, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं माइनिंग के कारण जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचती है। चौथा डिफॉरेस्टेशन यानी कि
वृक्षों की कटाई के कारण भी क्या है, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो जैव विविधता के खतरे हैं। ठीक है, तो ये सभी को आप एलाबरेट भी कर सकते हैं अगर वो बड़े आंसर्स हो अगर हो तो। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 30 वर्ड्स है, तो इनके कारण क्या है, बायोडायवर्सिटी के नुकसान ये है प्रमुख खतरे है। ये सभी चीजें जैसे आप एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, ये सभी क्या है आपकी, ये जितने भी कारण क्या है, मानवीय कारक है, और ये मानवीय कारक की ही जो है यहाँ पे जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकृत ऊर्जा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसके दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसे अगर समझे, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ये सभी क्या कहलाते हैं, अनवीकृत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, और इनसे मिलने वाली ऊर्जा या प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, अनवीकृत ऊर्जा कहलाती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हो सकता है, कोयला हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, लकड़ी है, ये सभी चीजें भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, अनवीकृत ऊर्जा है और इसके स्रोत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए विषैले पदार्थों के नाम लिखिए जिससे कि जल प्रदूषण होता है, कोई चार लिखिए। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप याद रखिए मरकरी या पारा, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, आर्सेनिक, और आप लिख सकते हैं नाइट्रेट। तो यहाँ पे इन चारों का नाम लिखिए, नोट करें। पारा के कारण जो है, पारा ऐसा है जो जल में यदि मिल जाता है जिसके कारण जो जल प्रदूषण होता है, यहाँ पे देखते ही मिनी माटा डिसीज होता है। ठीक है, दूसरा कैडमियम के कारण जो डिसीज होता है वो क्या है, इटाई है ना, तो ये क्या है, सब जल प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आर्सेनिक के कारण जो होता है, क्या होता है, ब्लैक फुट है ना, ये डिसीज भी है और जल प्रदूषण का कारक भी है। ठीक है, और नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये क्या है, सभी क्या है, जल प्रदूषण वाले कारक है, विषैले पदार्थ है ये सभी, क्या इनके कारण ये सब डिसीज हो जाती है, पारा, मिनीमाटा, कैडमियम, इटाइटा, आर्सेनिक, ब्लैक फुट और नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखे जितने भी जो वेस्ट होते हैं है ना, ये सभी वेस्ट में ये सब हानिकारक एलिमेंट्स जो है शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि अगला जो पॉइंट क्या है, ई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में जो लाभ है ये क्या क्या है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, और अभी हम पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इसमें आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या है, सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, किसान कॉल सेंटर लिख लो, किसान अपनी कोई भी समस्या के लिए पूछ सकता है। दूसरा आप यहाँ पे क्या लिखे, मौसम पूर्वानुमान आपके यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे किसान को लाभ मिल रहा है कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, आपके मोबाइल में सीधा इंफॉर्मेशन मिल जाता है हमेशा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भविष्य में जैसे आप देखते हैं मानसून का आना ना जाना, उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से मिल जाती है, जिसके कारण किसान पहले से अपनी तैयारी कर लेता है, तो कृषि क्षेत्र में इससे फायदा मिलता है। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं जो आधार लिंकिंग है, ये एक्चुअल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आधार लिंक के कारण जो है किसानों तक जो है उन कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का वहां पे क्रियान्वयन हो पा रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र में है, सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, मृदा कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी एक्चुअल में क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ना, टेक्नोलॉजी के कारण ये सब लाभ मिल रहे हैं, इसके कारण देख रहे हैं। और बहुत सारे जैसे कि आप बीमारियों या डिसीज जो कृषि क्षेत्र में लगते हैं, तो उनके जो निवारण के उपाय है, कौन से कीटनाशक डालने चाहिए, ये सब चीजों का यहाँ पे विवरण पहले से मिल रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हो रहा है। आपको पता होगा जितने भी किसान रजिस्टर्ड होते हैं उनके मोबाइल में हमेशा क्या है, इंफॉर्मेशन आते रहती है कि कब बुआई करनी है, कब रुपाई करनी है, कौन से डिसीज में कौन सा आपका
रसायन जो है छिड़काव करना है, ये सभी चीजें टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो रही है, जो किसी क्षेत्र में काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है आपके 30 शब्द वाले, इन इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ष 2016 में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे देखिए, आनुवंशिक विविधता का वर्णन करिए, डिस्क्राइब जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, इसे ऐसा लिख सकते हैं, आनुवंशिक विविधता का आशय है किसी समुदाय के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण जो विविधता दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। आप घबराइए मत, ये बहुत सरल है। समुदाय है, किसी समुदाय के जीवों के मध्य जीन स्तर पर होने वाली परिवर्तन के कारण जो विविधता दर्शाती है या जो दिखती है वो क्या है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। जैसे कि आप देखिए बियर या भालू, तो भालू क्या है, भालू एक समुदाय में रहता है। दो भालू ले लो, एक क्या होता है ब्लैक ले लो और एक लेता है व्हाइट, तो पोलर बियर व्हाइट होता है, ब्लैक जो है बाकी स्थलीय क्षेत्रों में मिलता है। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स के नंबर सेम है, बट उनके जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण एक ब्लैक दिखता है दूसरा व्हाइट दिखता है। तो ये परिवर्तन जो है, देखो जीव समान है, जीन में जो है परिवर्तन के कारण जो विविधता दिख रही है वो आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो सकता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हो सकता है जिसमें कि जीन स्तर पर बदलाव हो जाता है, जैसे कि पोलर बियर ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीले क्षेत्रों में के कारण सनलाइट नहीं मिलती उधर, तो वहां पे देखते हैं आप क्या है कि ये आपका बियर जो है व्हाइट होता है। ठीक, समझ गए। तो आनुवंशिक विविधता का वर्णन कैसे करेंगे आप, समुदाय में जीवों के मध्य जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण जो विविधता दिखती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप पोलर बियर वगैरह लिख ले, या फिर आप इससे और दूसरे टाइप के जो देख रहे हैं कि मंकी या बंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के मिलते हैं, लेकिन सब में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम है, किसी जगह व्हाइट फेस वाला, किसी में रेडिस रेड वाला फेस वाला मिलेगा, किसी जगह ब्लैक फेस वाला मंकी आपको दिख जाता है। तो ये सब आनुवंशिक विविधता। इवन आप मैंगो का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे आम है, आम के कई प्रकार की वैरायटी है, सब में गुणसूत्रों की संख्या सेम है, लेकिन सबका टेस्ट अलग है, सब में जो साइज अलग है, सब में भिन्नता है, यही आनुवंशिक विविधता है। आई होप ये सब अपने शब्दों में भी आप लिख लेंगे। अब देखते हैं उसके बाद, देखिए जलवायु परिवर्तन को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या लिखना है, जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना है ग्रीन हाउस गैसों से। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ऐसा कोई भी फैक्टर जो जलवायु को परिवर्तन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो परिवर्तन कब होगा, जब ये ग्रीन हाउस गैसें जो है आएंगी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं जलवाष्प, वाटर वेपर, ये आपका है, और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और अन्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु में परिवर्तन जो होता है इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और इसे ग्लोबल वार्मिंग से सीधा हम रिलेट करेंगे। तो सबसे ज्यादा 60% क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 20% मीथेन है, 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प तो सभी रूप में मिलता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये 6% है। तो ओवरऑल ये देखते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन जो है इसे समझाएंगे कैसे, सीधा आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करना है, जिसके कारण जो है क्लाइमेटिक यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे के कारण क्या है, पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्र की जो बर्फ है वो पिघलते जा रहे हैं, तापमान बढ़ने के कारण जैव विविधता प्रभावित हो रही है, और जो ऐसे क्षेत्र जहां पे आप देखते हैं जो बर्फीले थे अब वहां पे क्या है, जिसमें ट्री जोन्स नहीं हुआ करते थे अब वहां ट्री जोन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि वृक्ष जो जहां नहीं मिलते थे वो वृक्ष मिल रहे हैं, जहां पे जो है जलवायु जो है असमानता दिख रही है, जैसे कि आप देखते हैं
दार्जिलिंग क्षेत्र में वहां पे क्या है समर सीजन में वहां पे देख रहे हैं आपका जो है क्या हो रहा है हिमपात हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं, और जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है बर्फ ही पिघलने के कारण जो है आप स्थलीय क्षेत्र में पानी बढ़ता ही जा रहा है उसका स्तर, और जो है पर्यावरणीय असमानता दिख रही, मौसम में बदलाव दिख रहा है। तो ये सभी क्या है जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, बट स्टार्ट इससे करें महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दो जैव संसाधन आरक्षित क्षेत्रों का वर्णन करें जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में चिन्हित है, और इनका क्रमशः लगभग भौगोलिक क्षेत्र किलोमीटर में बताइए। ये थोड़ा फैक्चुअल पार्ट भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे इसमें क्या एरिया दिख रहा है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ज्योग्राफिकल एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व वाला। तो बायोस्फीयर रिजर्व में दो चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक अचानक मार अमरकंटक और दूसरा पचमढ़ी वाला। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। 1999 में 1999 में पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था, और 2005 में आप देखते हैं अचानक मार अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वर्णन करेंगे कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। आप यहाँ देखते हैं कोर, बफर और ट्रांजिशनल वाला एरिया, ठीक है। तो कोर वाला, बफर वाला और ट्रांजिशनल वाला एरिया आप यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करें, लेकिन मेन इन बातों का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दो महत्वपूर्ण बातें पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक, उसका ईयर भी आप लिखें, उसका एरिया भी लिखें, ठीक है, ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2017 में जो क्वेश्चन आया था IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं नाजुक श्रेणियों में अंतर बताइए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी CR और वल्नरेबल यानी कि नाजुक को हम VU से लिखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, आप समझें और बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं, उसे जरूर आप याद रखें। तो तीन महत्वपूर्ण इसकी कैटेगरी है। पहला हम CR को लिख रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को। तो यहां भी क्या लिखे, पिछले 10 सालों में इन प्रजातियों की जनसंख्या में 90% की कमी आई हो, समझ गए, मतलब विगत 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या में 90% की कमी आई हो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और क्या लिखे, इनकी जनसंख्या का कुल आकार कितना हो, 50 हो, ठीक है, समझ रहे हैं। 50 कौन से नंबर, जो मैच्योर पर्सन है, जो प्रौढ़ संख्या है, ठीक है, मैच्योर वाले जो है कितने हैं 50 इनके नंबर्स हो, और पिछले 10 सालों में इनके लुप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है वो कितना हो, 50% हो पिछले 10 सालों में, ठीक है, समझ गए। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट, पिछले 10 वर्षों में या विगत 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या में 90% की कमी आई हो, इनकी जनसंख्या का आकार 50 हो, ठीक है, और जिसमें मैच्योर मेंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं, और तीसरा जो है विगत 10 वर्षों में इनके लुप्त होने की प्रायिकता 50% हो, तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या आप देखते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त वाली कैटेगरी बनती है, समझ गए, ये पॉइंट समझ गए, उदाहरण में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद इधर का पॉइंट समझ जाइए, बस सेम पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे, VU कहेंगे, वल्नरेबल। तो यहां पे तीन पॉइंट आप समझ गए, पहला पॉइंट आप समझते हैं विगत 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई हो, 50% की कमी आई हो। दूसरा कि इनकी जनसंख्या का कुल आकार 10,000 आसपास हो या 10,000 हो, ठीक है, जिसमें कि हम फिर से मैच्योर जो स्पीसीज है उसको हम काउंट करते हैं, और विगत 100 वर्षों में इनके लुप्त होने की प्रायिकता कितनी हो, केवल 10%, समझ गए, विगत 100 वर्षों में इनके लुप्त होने की प्रायिकता केवल और केवल 10% हो, तो ये क्या है, संवेदनशील या नाजुक या फिर कहें वल्नरेबल की कैटेगरी बनती है, समझ गए। अब यहां पे देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड का जो एग्जाम्पल आप लिखे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहला एग्जाम्पल लिख लें। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पे हिमालयन बटेर। तीसरा एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं, वो भी काफी
इंपॉर्टेंट है, दैट इज गंगा का सार्क। गंगा डॉल्फिन आप सुने होंगे, लेकिन यहां गंगा सार्क, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट, किसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिरैया। दूसरा आप लिखते हैं हिमालयन बटेर, और तीसरा यहां पे लिख सकते हैं क्या है, गंगा सार्क, ठीक है। और यहां पे वल्नरेबल में तो बहुत कैटेगरी आ जाती है संवेदनशील वाले में, तो यहां पे लिख सकते हैं जो बाइसन या गौर है ये लिख ले, चीता है, सांबर है ये लिख सकते हैं, सिंगल हॉर्न राइनोस है, एक सिंग वाला गेंडा है ये लिख सकते हैं। तो ये इसके लंबी लिस्ट है, तो ये बहुत ईजी है अभी, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे मैंने बताया, आप यहाँ पे बाइसन या गौर लिख ले, एक सिंग वाला गेंडा लिख ले, सांबर लिख ले, चीता लिख ले, ये सभी क्या है आपका वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। समझ गए ये पॉइंट्स। अब हम आप आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। तो देखिए अब देखते हैं वर्ष 2018 में जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन करो, एक्सप्लेन द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि 4 महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इन चारों का नाम लिखें और थोड़ा थोड़ा उनकी इसे एलाबोरेट कर दें, उनकी स्थिति को बताएं। तो जैसे पहला आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, पश्चिमी घाट है पहला हॉट स्पॉट। दूसरा क्या लिख सकते हैं आपका, हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं आपका, सुंडालैंड, सुंडालैंड लिख सकते हैं। और चौथा इंडो बर्मा लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडो बर्मा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 4 संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन करो। तो यहाँ आपको पता होगा कि ये यहाँ पे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें तो बचे वाले 3 क्या कहलाते हैं, वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र में से 3 हॉटस्पॉट क्या है, ये 3 क्या है, भारत में है। सो ये 4 हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी जो होती है डेंस होती है, संवेदनशील क्षेत्र होता है, और इन 4 में से 3 क्या है, वर्ल्ड के जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, इनमें से ये 3 इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय मतलब पूर्वी हिमालय में ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके 4 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र का यहाँ पे वर्णन करो, इनमें कुछ जो स्पीसीज हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा समृद्ध एरिया है, इसलिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ये लिस्टेड है, ये याद रखें। और यहाँ पे सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र में जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है ये आ जाता है, दोनों में आधा आधा पार्ट आता है, ठीक है। हिमालयन क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय में आप देखते हैं वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली स्थिति बनती है, इसलिए वहां पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वृक्ष आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक का स्पीसीज का वहां पे वर्णन जरूर कर दें, जैसे कि पश्चिमी घाट में जो वहां पे जो उभयचर प्राणी है, जैसे मेंढक या दूसरे ऐसे स्पीसीज जो बहुत ही कहना चाहिए क्रिटिकली इंडेंजर टाइप की स्पीसीज भी हैं, और जो बहुत ही समृद्ध टाइप की स्पीसीज हैं, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। पश्चिमी घाट के अलावा आप देखते हैं कि सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र भी वहाँ पे न केवल टेरेस्ट्रियल बल्कि एक्वेटिक में भी बहुत बड़े बड़े या बहुत ही समृद्ध जैव विविधता वाले स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं, तो इनका वर्णन यहाँ पे करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2016 में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन जिसकी शब्द सीमा 100 थी, ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला देखिए, हरित गृह गैसों पर विस्तृत टिप्पणी करो। तो ग्रीन हाउस गैस मैंने अभी ही बताया था, 4 जो गैस है इनका थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या क्या बताया था, मीथेन, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य, इन सभी को थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये ग्रीन हाउस गैस पर विस्तृत टिप्पणी यदि आप करते हैं तो ये भी याद रखे, ग्रीन हाउस गैस का होना लाभदायक भी है, यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान नेगेटिव में चले जाता, माइनस में चले जाता, और यहाँ पे सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाती, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, ग्रीन हाउस गैस की जो पॉजिटिवनेस है या उसकी जो सकारात्मक वैल्यू है, जिसके कारण आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बना हुआ है ना, और जिसके कारण यहाँ पे रहने की स्थिति निर्मित हो पा रही है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के कारण जो यहाँ पे थोड़ी जो वार्मनेस बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे
जो प्लांट्स के लिए थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन हो जाता है और आसानी से ये ग्रो करते हैं क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी टिप्पणी पर यदि आप लिखे तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए पश्चिमी घाट अगला जो प्रश्न है 2017 में जो पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं ना कि एक्चुअल आइडियल आंसर कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या चीजें डालनी चाहिए जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिले, तो उन बातों का यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट का आवास यानी उसका नेचुरल हैबिटेट, उसकी प्रमुख प्रजातियों और इस क्षेत्र में पर्यावरणीय महत्व संरक्षण की स्थिति के बारे में लिखिए। आप इसमें कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा जो हॉट स्पॉट है अपना, कौन सा हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट के बारे में ए टू जेड लिख लो आप, क्योंकि वो उसकी आवास को भी बताएगा, प्रजातियों को भी बताएगा, उस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व ये है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से समृद्ध क्षेत्र कहलाता है। और जब भी हॉट स्पॉट की बात आती है तो यहाँ पे देखते हैं कि संरक्षण के लिए भी यहाँ पे नेशनल पार्क है, वहां पे 3 नेशनल पार्क हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यारण्य हैं, तो ये इसकी संरक्षण के बारे में भी इसकी जानकारी मिल जाती है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि ये इसका आवास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हैबिटेट है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता की दृष्टि से ये संवेदनशील क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पे जैव विविधता डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज मिलेंगे, कोई भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में हमेशा कौन सी स्पीसीज मिलेगा, एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजातियां जो उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं, दुनिया के और कहीं नहीं मिलती, तो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। ये बातों को आप ध्यान रखें तो ये प्रजातियों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ 100 शब्द के हिसाब से आपको इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है। कुछ और बातों का यहाँ पे भी मेंशन कर ले जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ये पॉइंट नोट कर ले। देखो 64.95% जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डेंस एरिया है, किसका, ओवरऑल वेस्टर्न घाट का 64.95% क्या है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डेंस एरिया है, समझ गए। तो इसकी आप इंपॉर्टेंस ऐसे ही समझ सकते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलते हैं, पहला क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की जो एंडेमिक स्पीसीज मिलता है वो है मेंढक या उभयचर, दूसरा नीलगिरी लंगूर, एशियाई जो हाथी है, ये सभी इन क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व है और नेशनल पार्क, 2-3 नेशनल पार्क और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यारण्य हैं। तो ये इंडिया के मैप में अगर आप देखते हैं, इंडिया के मैप में पूरा ये जो नीचे वाला ये पूरा बेल्ट जो है आपका, आपका क्या है, वेस्टर्न घाट कहलाता है, समझ गए। तो संरक्षण वाली स्थिति तो ऐसे ही आ जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी है, तो अपने आप यहाँ पे संरक्षण मिलेगा ही, समझ गए। तो इन बातों को आप ध्यान रखा करें और ये इन बातों को यहाँ पे जरूर मेंशन करें। ठीक है, कॉम्पिटिशन कमेटी की जो इन्वायरमेंट वाले बुक में ये सभी चीजें मेंशन भी की गई है, आप यहाँ चाहे तो वो रिसोर्स जो है यहाँ से डायरेक्ट उसको लिंक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2018 में जो 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रभाव, इसके प्रबंधन और समुचित उपाय बताइए। और इस प्रश्न में देखिए यदि आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी तो मैंने बताया था ऐसे उत्पाद जो प्रयोग के बाद बेकार और निरर्थक हो जाते हैं वो अब क्या है, अपशिष्ट कहलाते हैं। यदि ठोस अपशिष्ट हो जैसे कि आप प्लास्टिक के डिब्बे, कंप्यूटर पार्ट्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स, या फिर देखते हैं एस्बेस्टस, रबर, टायर, ये जितने भी चीजें देख रहे हैं ये सब ठोस अपशिष्ट होता है। प्लास्टिक वाली जब बात आती है तो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, अनिम्नीकरणीय वाला प्रोडक्ट है, तो अनिम्नीकृत वाला जो प्रोडक्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, उसको ट्रीटमेंट करना होता है। अब यहाँ पे इनके जो प्रबंधन के उपाय है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप नोट करें, इसे जरूर आप लिखें क्योंकि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो 2016 है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 है, इसका जरूर यहाँ पे उल्लेख करें, जिसमें कि आपको गीला कचरा,
हरे डिब्बे पर, सूखा कचरा नीले डिब्बे पर और हानिकारक पदार्थ जो है लाल डिब्बे में भरे जाने के लिए नियम बनाया गया है, ताकि हम उसे सेपरेट कर सके और इसका एक समुचित प्रबंधन कर पाए। ठीक है, ये याद रखिए, ग्रीन गीला वाला, सूखा वाला नीला डिब्बा में और आपका लाल कलर में जो हानिकारक वेस्ट होते हैं इनको भरा जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख करें। दूसरा, यदि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे उन बातों का ध्यान रखना होता है कि जितने भी वेस्ट पार्ट होते हैं, तो प्लास्टिक वाला अलग, हानिकारक केमिकल अलग, आपका जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब सबकी कैटेगरी बना देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब प्लास्टिक का ट्रीटमेंट अलग हो गया, हानिकारक एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट अलग हो गया, तो इस प्रकार उसे सेपरेट कर करके उसका प्रबंधन या निपटान करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि लैंडफिलिंग या भूमि भराव, लैंडफिलिंग जो करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, भस्मीकरण या इंसिनरेशन, भस्मीकरण या इंसिनरेशन, ठीक है, और पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, ये सभी पॉइंट्स जरूर आप लिखें। या फिर आप देखते हैं ऐसे पार्ट जो बायोडिग्रेडेबल है, तो उनमें क्या कर सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कुछ इसके ट्रीटमेंट को आप देख रहे हैं, समुचित इकट्ठा करना, उसका फिर ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यदि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो बजट जो है किसमें यूज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, कचरा को यहां से वहां ले जाने में ही बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो उसके जो प्रबंधन में जो है एक्चुअली उसका जो निपटारा करना है वहां भी पैसा कम खर्च हो पाता है, इसलिए उसका समुचित रूप से प्रबंधन करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ये कैटेगरी बनाई गई है और ये इम्पोर्टेंट इसके जो निपटारा है या इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, इसको इस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके भी और भी हैं, लेकिन 100 मार्क्स के हिसाब से कम 5 पॉइंट लिख ले और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को थोड़ा सा बता दें और जो मैंने इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट बताया था, पारा या मरकरी, एस्बेस्टॉस, आपका जितने भी मैंने नाइट्रेट और आर्सेनिक ये सब जो बताया था, उसका नुकसान बता दें, प्रभाव में वो आ जाएगा, निपटारा में ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। और यहाँ पे उल्लेख भी कर देते हैं कि दक्षिण कोरिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंट्री है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट के कारण इनको अवार्ड मिला हुआ है। और लेटेस्ट डेटा करेंट के अगर आपके पास हो तो उसे जरूर यहाँ पे मेंशन कर दें, जैसे अंबिकापुर इज द एग्जांपल ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। मानव और वन्य जीवों में प्रतिस्पर्धा का वर्णन करो, तो यहाँ पे आपको इन दोनों में जो प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल भी है और सरल भी लिख सकते हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था, किसी का जो प्राकृतिक आवास मान लो ए है, ठीक है, दूसरे का प्राकृतिक आवास बी है। ठीक है, मान लो हम यहाँ ह्यूमन बींग रहते हैं और ये फॉरेस्ट वाला एरिया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाथी, कई बार हाथियों का झुंड जो है इन जो प्रवासी क्षेत्रों में या जो आवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, या कई बार आप देखते हैं कि जो दूसरे ऐसे फॉरेस्ट एनिमल्स जो है ये स्थलीय जो आवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक या मानवीय कारकों से हम उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण वो वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में भागने लगते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि ये आवासी क्षेत्र है या क्या है, इसलिए वो किसी भी दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। तो जंगल के चारों तरफ कौन रहता है, ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं, जंगल वाले एरिया में एनिमल्स रहते हैं, तो चारों तरफ किसी न किसी भी ऐसे मानवीय क्षेत्रों में प्रवेश कर ही जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो संघर्ष होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो वो कंफ्लिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ह्यूमन को इनके आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करना है और ह्यूमन बींग्स को अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहना है। तो चूंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है बहुत ज्यादा बेतरतीब तरीके से हो रहा है, इसके कारण जो है ये असमानता आ रही है, प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें कि मानव एवं वन्य जीवों में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसलिए जो भालू है या दूसरे एनिमल्स है ये आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये केवल क्या है आपका हाथी का एग्जाम्पल नहीं है,
इवन जितने भी और भी स्पीसीज हैं, ये सभी स्पीसीज का यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि मंकी जो बेसिकली क्या है, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं और जो है एक नॉर्मल आवासीय क्षेत्रों के पास भी मिलते हैं। अब क्या है, उन क्षेत्रों में भी ये मंकीज जो है प्रवेश करने लगे हैं जहां पे इनकी उपस्थिति पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनका जो है कुल मिला के उनके सर्वाइवल के लिए, उनके फूड के लिए, उनके आवास के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है और एक दूसरे क्षेत्रों में वो प्रवेश कर जा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2017 में, देखिए सेक्शन 4 उस समय था जिसमें कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 250 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट थी। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आया है, जैव विविधता के विभिन्न खतरों का वर्णन करो, डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ऐसे कौन कौन से वेरियस फैक्ट्स है, जो थ्रेट्स है, जो खतरे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो इन सभी बातों को आप लिख सकते हैं। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो काफी सरल टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पारिस्थितिक तंत्र को डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है, ये सभी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के खतरे हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा स्पेसिफिक अगर लिखना हो तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है एनिमल्स, यानी कि आप देखते हैं जंतु जगत, और वनस्पति जगत, यानी कि आपका बॉटनिकल वर्ल्ड, और इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक कहते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत सभी जैविक विविधता आती है, और यही जैविक विविधता को यदि हम संरक्षित करना चाहें तो उनके प्राकृतिक आवास को हमको संरक्षित करना होगा, यानी कि उनको किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस हमको से होने से बचाना है। ठीक है, सो यहाँ पे इन सभी बातों का उल्लेख करें। और कुछ ऐसे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, मानवीय कारक हैं जिसके कारण जैव विविधता प्रभावित हो रही है, तो उन सभी मानवीय कारक या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस को यहाँ मेंशन करें। जैसे कि यहाँ पे मैं बता पा रहा हूँ, जैसे देख रहे हैं कि प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ये सभी प्रदूषण जो है जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, याद करिए कि ऐसे क्षेत्र जहां पे वायु प्रदूषण होता है उन क्षेत्रों में लाइकेन नहीं मिलता, तो वो एक वनस्पति है, यानी कि एक जैव विविधता है वो। अब वो जैव विविधता प्रभावित हो रही है क्योंकि वहां पे वायु प्रदूषण है। ऐसे ही प्रदूषित पानी में क्या है, मछलियां नहीं मिलती। ठीक है, तो ये सभी क्या है, यदि आप देख रहे हैं प्रदूषण तो बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए खतरा है। उत्खनन या माइनिंग यदि आप देखते हैं, चूंकि माइनिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है और उसका जो दुष्प्रभाव है न केवल बायोटिक फैक्टर पर बल्कि एबायोटिक फैक्टर पर भी पड़ता है, क्योंकि आपस में सब इंटररिलेट होते हैं, तो माइनिंग या उत्खनन के कारण भी जैव विविधता प्रभावित होती है, संबंधित क्षेत्र की वेजिटेशन या ऐसे जंतु वनस्पति उनकी जो है डेथ होती है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ पे इसे भी समझें कि डिफॉरेस्टेशन को भी इसे मेंशन करना होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है, यानी प्लांट क्या है, एक उत्पादक है, और उत्पादक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं निकलती हैं, यानी कि फूड चेन वहां से ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे अगर हम उत्पादक को ही नष्ट कर दें तो बायोडाइवर्सिटी तो नष्ट होना ही है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है यदि हम वनों की कटाई कर देते हैं। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, यदि उस क्षेत्र का औसत तापमान बढ़ता है तो वहां पे विविधताएं जो है बदल जाती है, यानी कि उन क्षेत्रों में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो कम होने लगती है। ठीक है, ये याद रखें। तो वैश्विक तापमान जो है सभी प्रकार की जैव विविधता को प्रभावित करती है, उसके लिए ये खतरा है। अतिदोहन, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको हम अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यदि करते हैं तो इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, तो इसे भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, और उसके बाद देखिए औद्योगिकीकरण, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तेजी से वनों का कटाव हो रहा है और वो कल्टिवेटेड लैंड या फिर देख रहे हैं कि वो आवासीय भूमि बन रही है। ठीक है, यानी कि वहां पे लोगों की बसाहट बढ़ रही है, तेजी से गांव शहर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है जो प्राकृतिक वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पतियों हैं, वनस्पतियां हैं, इन पर क्या है, दबाव बढ़ रहा है।
तो औद्योगिकरण के कारण वनों पर दबाव पड़ रहा है, प्राकृतिक स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी जो है खतरे में है। विनिर्माण जितने भी आपके इसी से रिलेटेड है ना, तो जितने भी आप देख रहे कंस्ट्रक्शन वाला या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इनमें क्या है, सभी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है। इको टूरिज्म, तो इको टूरिज्म हालांकि इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इको टूरिज्म के संदर्भ में हम ऐसे क्षेत्रों में भी जाने लगे हैं जो किसी भी प्रजाति के लिए उनका एक प्राकृतिक आवास का क्षेत्र हुआ करता था। यदि उन क्षेत्रों में हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रही है, जिसका मतलब है वहाँ पे जो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं, जो जंतुएँ हैं, वो अब धीरे 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 उसका वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होता जा रहा है, या तो माइग्रेट कर जा रहे हैं या तो नष्ट हो रहे हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो 250 वर्ड्स के हिसाब से आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है जो आपके पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बातें हम समझ गए। अब पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर अपने विचार व्यक्त करिए। तो इन सभी का पूर्व में हमने जितना भी डिस्कशन किया है पर्यावरण प्रदूषण में, और उसको मानव स्वास्थ्य के साथ हमको रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था जल प्रदूषण के कारण जो डिसीज होता है, जिसमें मैंने मिनी माटा, ईटा ईटा डिसीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, एस्बेस्टियासिस, ठीक है, ये सभी जो डिसीज बताया था, ठीक है, ये डिसीज जल प्रदूषण के कारण है। तो मानव यहाँ पे क्या है, पर्यावरण, तो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो मानव पर सीधा दुष्प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने सिंपल सा एक लाइन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही कहा था कि कोई भी अजैविक कारक को यदि आप छेड़छाड़ करते हैं, अवांछनीय या अनवांटेड चेंजेस उसमें करते हैं, तो उसके कारण जो है पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होती है। पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित मतलब हम सब पारिस्थितिक तंत्र के पार्ट हैं, तो इसका सीधा सा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मैं मानव स्वास्थ्य को रिलेट कैसे कर रहे हैं, मैं बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पे जल प्रदूषण से रिलेटेड वो डिसीज बता दीजिए, दूसरा वायु प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी जो आप देख रहे हैं कि चाहे ब्रोंकाइटिस या गले में प्रॉब्लम हो, श्वास में प्रॉब्लम हो, है ना, अस्थमा या दमा वाली प्रॉब्लम हो, या फिर जब देखते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें कि जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, इनकी मात्रा बढ़ने पर जो नॉर्मल ब्रीदिंग है या सामान्य जो हम श्वास लेते हैं वो अब ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण हमको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज जन्म ले लेते हैं। तो ये आपका वायु प्रदूषण का ऐसा रिलेशन बता सकते हैं। सिमिलरली आप रेडियो एक्टिव का बता सकते हैं कि रेडियो एक्टिव कितने भारी लेवल पर प्रभावित करता है, न केवल पारिस्थितिक तंत्र पर, क्योंकि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा अल्ट्रा वायलेट एक्स किरण, ये सभी चीज़ें वहाँ एमिट होती हैं, निकलती हैं, जिसके कारण जो है पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, ह्यूमन बींग्स प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके जीन लेवल पर चेंजेस आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिरोशिमा नागासाकी वाली बात हो, तो अभी तक जो है वहाँ पे जो है जितने भी जेनेटिकली कहना चाहिए काफ़ी विकृत टाइप के लोग वहाँ पैदा हो रहे हैं। इवन आप देखते हैं जो फुकुशिमा वाला पार्ट है, थ्री माइल आइलैंड है ना, चेरनोबिल की घटना है, ये सभी चीज़ें आप ये कर सकते हैं। इवन आप भोपाल गैस कांड का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रसायन था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के कारण, वहाँ भी वो विकृति निकल रही है। तो पर्यावरण के साथ जो है थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे ऊपर ये दिक्कतें तो आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप मृदा प्रदूषण ले लेते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण के कारण जो है भूजल का स्तर प्रभावित हो रहा है, और वो भूजल जो है जब हम पी रहे हैं, यानी कि हमारे जब बॉडी में जा रही है, तो चूँकि वो ज़्यादा कहना चाहिए पॉल्यूटेड वाटर है, उसके कारण हमको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब चीज़ों को मैंने बताया। इवन आप पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो एक बहुत भारी बड़े लेवल पे, एक लार्ज स्केल पर ये क्या है, सभी फ्लोरा और फौना को ये प्रभावित करता है, और उस सब में यदि हम देखते हैं तो मानव सीधा सीधा निर्भर होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं 250 वर्ड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है।
आई होप ये बातों को आप रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि ये एनालिसिस है तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी बातें आप इसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा ये माना जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा, जब भी इन सभी बातों को, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के कुछ कुछ बातों को यहाँ पे भी जरूर लिख दिया करें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अल्टीमेटली रिलेट होता है सीधा सीधा हमारे वेदर से या उस क्षेत्र की वेदर से। क्योंकि आपको पता होगा फॉग का आना, स्मग का बनना, ये सभी चीजें जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर निर्भर होता है। इसी कारण दिल्ली NCR वाले रीजन पे जो है इतने एयर प्यूरिफायर जैसे लगे होते हैं और वहां पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है पर्यावरण प्रदूषण के वायु प्रदूषण वाले टॉपिक में कॉम्पिटिशन कमेटी के बुक में ऑलरेडी मेंशन भी है, और भी दूसरे सोर्सेस से आप वहां पे इसे ले सकते हैं, क्योंकि वे जो जो इसके एलिमेंट्स हैं है ना, जिसमें चाहे वो पर्टिकुलेट मैटर हो ठीक है, या फिर देखते हैं जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी चीजें जो है काफी हार्मफुल होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे आप रिलेट करके बता सकते हैं। अल्टीमेटली ये कहें तो प्रदूषण से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा जो किसी न किसी रूप में आपके हर साल एग्जाम में दिख ही जाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का सीधा सीधा संबंध होता है स्वास्थ्य पर, और जैव विविधता का खतरा ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है ठीक है। ये बातें समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम कुछ और बातों की ओर। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 5 में वर्ष 2016 में पूछे गए प्रश्न को। तो इसमें पूछा गया वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण एवं उपायों का वर्णन करो। ये प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन 40 मार्क्स के क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे, जो अभी जो है इतने 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ना पूछ के आपको क्या है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन 175 वर्ड्स में यहाँ पे पूछे जाते हैं। यानी कि अब ये देख रहे हैं जो 500 शब्द वाला जो है ये अब वर्ड लिमिट घट के कितना है 175 मैक्सिमम हो गई है, और यहाँ पे हमको यही प्रश्न यहाँ 15 नंबर पे भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए इसे लिखना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण का कारण क्या है, आपको पता है कि वायुमंडल में 78% जो क्या है नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या देखते हैं 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा यहाँ पे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे ऐसे गैसें जो है ओजोन है, ये सभी क्या है सूक्ष्म मात्रा में अवेलेबल है। तो यदि इनका जो है कॉम्पोजिशन जो है हम चेंज कर दें, तो पूरा जो है एबायोटिक फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, पूरे पाचक तंत्र पर पड़ेगा। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण के संदर्भ में यदि देखते हैं तो यहाँ पे वायु प्रदूषण क्या है, ऐसे प्रदूषक जो इन गैसों की कॉम्पोजिशन का या उनकी मात्रा को क्या है परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण ये वायु जो है प्रदूषित हो जाती है। अब ये वायु के जो प्रदूषक हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, गैसी पोल्यूटेंट हो सकते हैं, गैसी प्रदूषक हो सकते हैं ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा जो है ऐसे कहना चाहिए कणिकी या पर्टिकुलेट मैटर हो सकती है, जो इसमें ठोस जो है पोल्यूटेंट या प्रदूषक कहलाते हैं है ना, कणिकी पदार्थ जैसे PM2.5, PM10 जो है पर्टिकुलेट मैटर 10, ये सब कणिकी पदार्थ है। तो ये सब क्या है वायु के प्रदूषक है। अब प्रदूषक क्या है, नेचुरल भी हो सकता है, यानी कि ये प्राकृतिक प्रदूषक भी हो सकता है, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन, या फिर हम कहें जो पॉलन ग्रेन होता है, पराग कण जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं ठीक है, इसके कारण होता है, ये नेचुरल है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, ये आपके प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। अब जो है एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित जो कारक है जो प्रदूषक फैलाते हैं, तो ये प्रदूषक क्या क्या हो सकते हैं, जो औद्योगिक वेस्ट से निकलता है या उसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं ठीक है, किसी भी प्रकार के ऐसे रसायन उद्योगों से निकलने वाली जो है बदबूदार गैस, या फिर हम कहें जितने भी औद्योगिक जो है लेवल पर, बड़े लेवल पर जब हम उत्पादन करते हैं तो उससे निकलने वाला हानिकारक रसायन, ये सब हो सकता है। इवन जो है वाहनों से, जितने भी हम देखते हैं वाहनों से, यहाँ से बहुत भारी मात्रा में गैस निकलती है, तो ये उसका एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो सकता है। ऐसे माइनिंग एरिया में भी हम जब उत्खनन करते हैं तो निकलता है। तो ये सब क्या है, मानव जनित जो है प्रदूषक है, जो वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका
कारणों में से और बहुत सारे ऐसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से होता है। हम जो है जितने भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करें, जिसके कारण जो है आपका प्रदूषण कम होगा। तो ये सब क्या है, इसके जो प्रमुख कारण है। अब इसके जो प्रभाव की बात आती है, तो प्रभाव में देखिए, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3 बनेगा, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था कि पारिस्थितिक तंत्र जो है पूरी तरह से प्रभावित होती है, तो जैव विविधता में कमी आती है, तो जैव विविधता की कमी हो जाती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप देखते हैं नाइट्रोजन के सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उसके कारण जब हम सांस लेते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं, तो ये जो है बॉडी में जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जो आपके लंग्स को या आपके हार्ट को या फिर आपके दूसरे ऐसे ऑर्गन्स को ये प्रभावित करती है ना। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अर्थ का तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसका कारण ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन या दूसरे ऐसे अवांछनीय या अनवांटेड टाइप की गैसेस का यहाँ पे रिलीज होना। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं जो प्रदूषित वायु है, ये प्रदूषित वायु मतलब यानी कि कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण जो एक अच्छी क्वालिटी की जो हमारे पास वायु होनी चाहिए, जो हम सांस में लेते हैं, वो अब प्रदूषित हो गई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं या महत्वपूर्ण जो फैक्टर हैं, इन सभी बातों को यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किया जाता है और इसे जरूर एग्जाम में आप लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, NH3, ठीक है, ये 4 हो गए। और 4 यहाँ पे लिखिए, वो है क्या है, लेड। इसके बाद देखते हैं ओजोन है, ठीक है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर PM जो है 10। तो ये जो है आप देख रहे हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में मेजर किया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं गैस को यदि हम कम कर देते हैं या ये सभी कारकों को हम कम कर देते हैं, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाती है। यदि आप इसका जो है स्केल अगर आप नोट करना चाहें, तो स्केल में देखते हैं जो अत्यधिक हानिकारक, औसत, खराब, बहुत खराब, इस टाइप की बहुत सारी इसकी जो है कैटेगरी है, वहाँ पर एक छोटा सा टेबल आप मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि 500 पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 अबव हो गया या 500 भी टच कर गया, तो ये एक्सट्रीम लेवल पे हानिकारक कहलाएगा, अत्यधिक हानिकारक कहलाएगा। और हाल ही में दिल्ली इसका रियल एग्जांपल है, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, और प्रदूषित वायु में वो लाइकेन वाला एग्जांपल लिखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पे वायु प्रदूषण होता है, उन क्षेत्रों में आमतौर पर सामान्य रूप से मिलने वाला लाइकेन वनस्पति उन क्षेत्रों में नहीं मिलता, तो ये एक जैव विविधता का नुकसान है, ठीक। कीटों एवं वन्य जीवों पर प्रभाव, तो जैसे कि मधुमक्खी है, तितली है, ठीक है, दूसरे ऐसे छोटे छोटे जो फ्लाइंग वाले जो छोटे ऐसे एनिमल स्पीसीज हैं, ये सभी क्या होते हैं, जब वायु प्रदूषण होता है तो उन क्षेत्रों में नहीं जाते, यानी कि वहां पे फिर से बात आती है कि ये मधुमक्खी जो क्या कहलाता है, अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण प्रजाति कहलाता है, जो पट्टी जो है प्लांट में जो जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें परागण या पॉलिनेशन में हेल्प करता है, तो इसके कारण पॉलिनेशन प्रभावित होती है, जिसके कारण फ्लावरिंग प्लांट्स में दिक्कतें होती हैं और फर्दर ये होता है कि जैव विविधता का नुकसान होता है। पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, डोंट फॉरगेट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पॉल्यूटेंट है, ऐसा प्रदूषक है जो फोटोसिंथेसिस को ही सीधा क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल होती है, तो वहां पे पराक्सी एसिटल नाइट्रेट यदि प्रेजेंट है उस जोन में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का जो चक्र है वो रुक जाता है, जिसके कारण फूड नहीं बना पाते प्लांट्स और इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उसका प्रभाव है।
भोपाल गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का उल्लेख करना ना भूले, ठीक है। 3 और 4 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी और इसके कारण जो है बहुत बड़े लेवल पर समूचे भोपाल वाले क्षेत्र में काफी बड़े लेवल पर वायु प्रदूषित हुई थी, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और इसका प्रभाव जेनेटिक लेवल पर भी हुआ था। ये सब बातें हैं। अब ये आपके प्रभाव नियंत्रण के उपाय में यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले जो एक्ट बना है गवर्नमेंट का वो नोट करें, 1974 में जल प्रदूषण एक्ट बना था, ठीक है, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब उसे 1981 में जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी उसमें जोड़ दिया गया कि वायु प्रदूषण को ये रोकथाम करेगी इस नियम या इस एक्ट के थ्रू। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्ट है ये एक एक्ट ही नहीं है, इसके कारण जो है इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और बातें हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट सेक्टर का कोई भी प्रोजेक्ट हो जहां पे एनवायरनमेंट को हानि होती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्हीं पर्यावरण नियमों का हवाला देते हुए वहां पे इसे रोकने का प्रयास करती है और उनको परमिशन नहीं मिलती। तो ये एक्ट नहीं होता तो हो सकता है और भारी लेवल पे नुकसान होता। तो ये उसका महत्वपूर्ण है नियंत्रण के उपाय में, ठीक है। CPCB समझ गए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे 1974 में जल प्रदूषण था, 1981 में उसे वायु प्रदूषण जोड़ा गया, ठीक। दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है तो उसे आप लिख लें। नियंत्रण के उपायों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मेजरमेंट है उसे आप नोट कर लें। इवन आप यहाँ पे जो औद्योगिक सेक्टर का जो रेड कैटेगरी, जो ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी ये जो बनती है तो वहां पे भी जो गैसों का उत्सर्जन होता है उसके आधार पे उसका विभाजन है। ये सब जो है कंपटीशन कमिटी के बुक में मेंशन भी की गई है, चाहे तो वहां पे भी सोर्स के तौर पे उसे ले सकते हैं या फिर गूगल करें भी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जितने भी फैक्ट्रीज हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट में, खासकर छत्तीसगढ़ में जैसे देखा जाए, ESP लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, है ना। तो जो है आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, चिमनी में लगा होता है और हानिकारक जो कंटेंट है या हानिकारक जो पार्टिकल्स हैं इनको वो रोक देता है, जैसे कार्बन के पार्टिकल्स को रोक देता है और जो है वो छान की गैस को रिलीज करता है। तो इस प्रकार ESP का लगाना कंपलसरी कर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमको प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन इसलिए क्योंकि ये क्या कार्बन सिंक कहलाते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं सभी प्लांट्स, ठीक है। इसी कारण तो अर्थ का लंग कहते हैं, किसे कहते हैं, अमेजन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जहां पे देखते हैं बहुत बड़े लेवल पर वहां पे क्या है, फॉरेस्ट जोन है और ये फॉरेस्ट क्या करती है, सभी जो है कार्बन पार्टिकल्स को या पोल्यूटेड एयर को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए फेफड़ा का काम भी क्या है, फेफड़ा का काम भी इस पॉल्यूशन को रोकना है, इसीलिए वहां पे देखते हैं, यानी प्यूरिफाई करना है, इसलिए वहां देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट जोन है ये अर्थ का लंग कहलाता है, समझ गए। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखें और ये पॉइंट यदि लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छे मार्क्स वाले फैक्टर हो जाएंगे। तो कितनी सारी चीजें हमने खिचड़ी बना ली, कहने का मतलब देखो हमने क्या इतने सारे पॉइंट नोट कर लिए, एक्ट भी डाल दिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी डाल दिए, है ना, नियंत्रण के उपायों में, और ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये जो एक जनरलाइज आंसर में नहीं लिखी जाती, ये स्पेसिफिक आंसर में लिखी जाती है, इसका उल्लेख कर ले। इवन आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि जो स्मग बनता है ना, जिसमें कि बड़े लेवल पर जो दुष्प्रभाव हुआ है, जैसे कि लॉस एंजेलिस स्मग और लंदन स्मग मैंने बताया था, ठीक है, तो वो दो महत्वपूर्ण जो दुष्प्रभाव हुआ था उसका भी उल्लेख जरूर करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं आपका वायु प्रदूषण में जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस का, इसका सही आंसर लिखने के लिए। वन्य जीव संपदा के महत्व का वर्णन करो, तो यहाँ पे देखिए 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, तो वन्य जीव संपदा के महत्व, वाइल्ड लाइफ कमोडिटी, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब सभी चीजें आ गई, इसमें एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, तो उसका महत्व क्या है, सीधा जैव विविधता को साथ रिलेट कर ले और जैव विविधता को बार 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 उसी महत्व के साथ बताते चले कि ये तो वन्य जीव संपदा का ही पार्ट है और ये बायोडायवर्सिटी ही है और इसका महत्व, यानी कि बायोडायवर्सिटी का महत्व सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक आंसर तब बनेगा, अदरवाइज इतने बड़े 500 वर्ड्स में इसे
जनरलाइज तरीके से लिखेंगे तो हो सकता है आपको आंसर के सही मार्क्स ना मिले। तो वन्य जीव संपदा का महत्व मतलब बायोडाइवर्सिटी का महत्व सीधा सीधा लिखें, और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण का भी पार्ट थोड़ा सा उसमें मेंशन करें कि आज नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, इन सभी के कारण जो है ये वन्य जीव संपदा का महत्व है, इसी कारण हम इसे संरक्षित कर रहे हैं। तो इसके महत्व का वर्णन करें, और आप चाहें तो इनके नंबर्स लिखें, और इसके आधार पर भारत में देख रहे कितनी बड़ी लेवल पे जैव विविधता है और जितने जो वन्य जीव संपदा है इन सबका उल्लेख करें। और तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट के डेटा हैं ये जरूर लिखें कि भारत में जैसे कि आपको 4 या 5 प्रकार की जो ज्यादा पाए जाने वाले जो वन हैं इनका उल्लेख करें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है, ठीक है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जितने भी जो फॉरेस्ट हैं भारत में जो डाइवर्सिटी है, हिमालयन जोन पे अलग है, वेस्टर्न जोन पे अलग है, इक्वेटर में के नीचे के पास वाले एरिया में ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे ये इसे भी आप उल्लेख करें, क्योंकि पता होगा आपको भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग जो है वन है, और हम जो टारगेट लेके रखे हैं वन नीति के हिसाब से उसमें क्या है वर्ष आने वाले वर्षों में कि हम 1/3 मतलब 1/4 से 1/3 वन का टारगेट हम पा सके। तो यहाँ पे इसे भी जरूर लिखें वन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप उसका महत्व, इवन इस महत्व वन्य जीव संपदा के महत्व में देखते हैं तो यहाँ पे उन बातों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो वनों से हमको लाभ जो होता है उनका भी यहाँ पे उल्लेख करें, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट वाइल्ड लाइफ वाली बात आ रही है तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो भाग 3 के हिसाब से आना चाहिए अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बट ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये बड़ा आंसर भी बन सकता है, और अभी प्रेजेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये 175 वर्ड यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे भारत की विशाल जैव विविधता को आप बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप उसे लिखते चले, या फिर आपने अगर हमारा कोर्स ऑफ कर रखा है तो मैंने आपको चार्ट भी दिया था, पाई चार्ट, ठीक है, तो ये पाई चार्ट के हिसाब से वो परसेंटेज में फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उस परसेंटेज बताने के पूर्व इन बातों का ध्यान रखें कि भारत एक विशाल जैव विविधता राष्ट्र है, इंडिया इज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, जिसमें आप क्या देखते हैं सबसे पहले 1/4 क्या है वन है, ठीक। दूसरा आप क्या देखते हैं यहाँ पे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखते हैं 4 हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। 37 क्या है ऐसे नम भूमि क्षेत्र है, वेटलैंड है, नम भूमि क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है, आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसमें कि आप देखते हैं कि जो 4 हॉट स्पॉट है उसमें क्या है 3 क्या है हॉटेस्ट में गिना जाता है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में गिना जाता है। तो ये पॉइंट्स है, कुछ और पॉइंट्स यहाँ नोट कर सकते हैं, जैसे कि भारत जो है 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में गिना जाता है, और इसमें यदि देखते हैं कि विश्व के टॉप 10 में ये शामिल है और एशिया में इसका रैंक क्या है 4th है, समझ गए। विश्व के 17 बायोडाइवर्सिटी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में शामिल है और वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है और एशिया में इसकी 4th रैंकिंग है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए ये। और यदि आप देखते हैं वैश्विक जैव विविधता का 16.86% की बायोडाइवर्सिटी यहाँ मिलती है, इसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और मैंने जो पाई चार्ट बताया था कि उत्तर पूर्व में देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जो कॉम्पोजिशन देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में है ये देखिए 30% जो है मिल रहा है, वेस्टर्न घाट में जो है पश्चिमी घाट में 26%, पूर्वी घाट में 24%। इसके बाद देखते हैं जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय वाला पार्ट है, गैंगेटिक प्लेन्स और मध्य वाला भाग है, और यहाँ पे जो है डेजर्ट वाले पार्ट में, तो ये सभी क्षेत्रों में जैव विविधता का इस प्रकार वितरण है। सो ये अपने आप में 175 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे
फैक्ट आप अगर करंट रिलेटेड डेटा है तो उसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया की जो मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री के तौर पे जो वर्ल्ड सिनेरियो में हमारी जो पहचान है, ये पहचान अपने आप में काफी बड़े लेवल पर है। थोड़ा सा आप ओशन वाला पार्ट भी जरूर लिखें। ओशन वाले पार्ट में क्या है कि यहाँ पे क्या है, कोरल रीफ मिलता है, और कोरल रीफ भी क्या है, समुद्री वर्षा वन कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज समुद्री वर्षा वन, ठीक है, जो ओशन रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, कोरल रीफ जो है वैश्विक रूप से या कहना चाहिए बहुत जैव विविधता के दृष्टि से बहुत समृद्ध या धनी क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे भारत में क्या है, आप देख रहे हैं लक्षद्वीप वाला एरिया में, अंडमान निकोबार वाले एरिया में, ठीक है, या गुजरात के कोस्टल वाले जोन में, ये सब जगह पे आप देख रहे हैं कि जो कोरल रीफ है इसका प्रेजेंस भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये हमेशा आप टकराएंगे इस क्वेश्चन से। तो ये आप इन डेटा को यहाँ पे इन सभी फैक्ट्स को शामिल करते हुए आंसर लिखें, और इसके बाद यदि आप इसका, अगर आप ओवरऑल एक आंसर का फ्रेमिंग यदि आप करते हैं 175 वर्ड्स में, तो ये बहुत ही शानदार आंसर बनेगा। और आई गारंटीड ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है आने वाले वर्षों में भी, इसलिए इसका आइडियल आंसर अभी भी नोट करके या लर्न करके भी आप रख सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में इससे रिलेटेड फैक्ट को, डेटा को या आइडियल आंसर को बहुत तेजी से आप लिख सकें। अल्टीमेटली हमको एक अच्छा स्पेसिफिक और एक आइडियल आंसर लिखना होता है, तो यहाँ पे इन फैक्ट को शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप ये सभी बातें आपने समझी होगी। किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।